सच की किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका लेजर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूबी, और आइए करते हैं खबर की शुरुआत। इस खबर में सामाजिक चेतना, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संस्थाओं के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, प्रेस मीडिया के आदरणीय सभी बंधु, आज का कार्यक्रम केंद्र सरकार के निर्देशों से मध्य प्रदेश सरकार के तत्वाधान में और मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ये नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम ये पखवाड़े के तहत आज ये प्रचार प्रसार करने का ये दिन है। विभाग के संबंध में आदरणीय भोसले साहब ने बहुत कुछ बताया, पर स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उसमें नशे से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है कि स्वस्थ भारत जब भी होगा, जब भारत में निवास करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होगा। सरकारें अपने कार्यक्रमों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में सारे कार्यक्रम चलाती हैं, पर सरकार के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में जब तक जनभागिता, सहभागिता लोगों की ना हो, तब तक वो कार्यक्रम सफलता हासिल नहीं कर पाते। मध्य प्रदेश में भी कई स्वयंसेवी संस्थाएं इस ओर काम कर रही हैं, पर माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ब्रह्मा कुमारी संस्था को, गायत्री परिवार को इस कार्यक्रम में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में जोड़ करके जिम्मेदारी दी है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस क्षेत्र में काफी सफलता इस काम में मिलेगी।